नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दिष्टुर उपाध्याय। कांग्रेस के अंदर इन दिनों घमासान मचा हुआ है, जहां एक तरफ दिग्गज नेता पार्टी छोड़ रहे हैं तो वहीं अब राम मंदिर पर कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। हाल ही में कई कांग्रेसी नेताओं ने भगवान राम के भव्य मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर राम मंदिर का अपने अपने हिसाब से समर्थन किया। किसी ने सोशल मीडिया के जरिए राम मंदिर बनने की बधाई दी तो किसी ने वीडियो संदेश जारी किया। यहां तक कि गांधी परिवार के बेहद करीबी नेताओं ने भी राम मंदिर के निर्माण को लेकर ऐसा संदेश दिया कि कट्टरपंथियों और वामपंथियों को मिर्ची लग गई। केरल में तो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी मुस्लिम लीग कुछ ज्यादा ही भड़क गई और अब केरल की कांग्रेस इकाई आग बबूला हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद टीएन प्रतापन ने तो खुलकर आपत्ति भी जताई है। उन्होंने पार्टी हाईकमान को पत्र भी लिखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक त्रिशूर से लोकसभा सांसद टीएन प्रतापन ने सोनिया गांधी को पत्र लिखते हुए मध्य प्रदेश के नेताओं के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराते हुए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के उन बयानों के खिलाफ नाराजगी जताई है जिनमें उन्होंने राम मंदिर निर्माण का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि इस तरह राम मंदिर निर्माण का समर्थन करना बिल्कुल ऐसा है जैसा अस्थाई सफलता के लिए अपने घुटने टेकना। अपने पत्र में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सॉफ्ट हिंदुत्व छवि अपनाने के लिए चेतावनी दी है और कहा है कि कांग्रेस को इस बीच उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो बाबरी विध्वंसक का दुख मानते हैं और जिनके लिए वो हमला बिल्कुल ऐसा था जैसा किसी ने उन पर हमला किया हो। उनका कहना है कि नरम रवैये के साथ अति धार्मिक राष्ट्रवाद के पीछे नहीं चले सकते, हमें स्थिति को समझना होगा और कोई रास्ता खोजना होगा। बता दें कि केरल सांसद का ये पत्र कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बयानों की प्रतिक्रिया में है। दरअसल दोनों नेताओं ने राम मंदिर निर्माण कार्य का स्वागत ये कहते हुए किया कि वो राजीव गांधी ही थे जिन्होंने 1985 में राम जन्मभूमि का दरवाजा खोला। कमलनाथ ने तो वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हुए ये भी कहा कि इस अवसर पर वो अपने भोपाल वाले घर में हनुमान चालीसा का पाठ रखेंगे और कांग्रेस की राज्य इकाई की ओर से अयोध्या के लिए 11 ईंट भी देंगे। साथ ही उन्होंने राम मंदिर बनने को लेकर खुशी जाहिर की। मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूँ। देशवासियों को इसकी बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है, ये सिर्फ भारत में ही संभव है। वही दिग्विजय सिंह ने भी यह दावा किया कि अयोध्या की नींव तो पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ओर से रखी जा चुकी है। इन दोनों नेताओं का विरोध करते हुए जहां त्रिशूर सांसद ने इस कार्यक्रम को संघ परिवार की ओर से प्रायोजित धार्मिक राजनीतिक कार्यक्रम बताया और कहा कि अगर हमारे नेताओं को नहीं बुलाया गया तो वो उसके लिए भीख क्यों मांग रहे हैं। वही प्रतापन ने प्रियंका गांधी का बचाव करते हुए कहा है कि राम मंदिर को लेकर प्रियंका गांधी ने जो रुख अपनाया वो स्वीकार्य है क्योंकि उन्होंने एकता की बात की है। उनका कहना है कि हम निश्चित रूप से जानते हैं कि जहां तक संघ परिवार की सत्ता है वहां ऐसी एकता नहीं होगी। अंततः फर्क इससे नहीं पड़ता कि हमने कितनी असफलताएं देखी, फर्क इससे पड़ता है कि हम अस्थाई सफलताओं के लिए झुक गए। तो वह केरल के मुख्यमंत्री ने भी इन बयानों पर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने बुधवार को कहा है कि वो प्रियंका गांधी के बयानों से अचंभित हुए हैं। उन्होंने पार्टी पर निशाना साधते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व मुद्दे पर पार्टी को घेरा है और कहा है कि अगर पार्टी कभी सेकुलरिज्म पर तटस्थ कदम उठाती तो आज ऐसी हालत नहीं होती। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुद्दे में कांग्रेस पार्टी का रुख इतिहास का हिस्सा है क्योंकि वो मस्जिद नष्ट होने पर मूक दर्शक बनी हुई थी। उधर केरल में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग ने भी प्रियंका गांधी के बयान पर अपना विरोध दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर मामले पर प्रियंका गांधी के बयान के साथ अपनी असहमति जताते हैं। उनका बयान स्थिति से बिल्कुल अलग है। मुस्लिम लीग ने मल्लापुरम में पार्टी की इमरजेंसी बैठक की। इस बैठक में लीग ने प्रस्ताव पारित करते हुए कांग्रेस के नेताओं से अपील की कि वो अपनी सेकुलर साख को कम ना होने दें। बता दें कि प्रियंका गांधी ने भूमि पूजन को लेकर कहा था कि भगवान राम सभी के हैं और उम्मीद जताई कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए होने जा रहा भूमि पूजन राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और संस्कृति का उत्सव होगा। मगर कट्टरपंथी और वामपंथी गैंग को राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के नेताओं की ओर से अपनी आस्था जाहिर करना रास नहीं आ रहा है क्योंकि इस गैंग को तो केवल और केवल नफरत फैलाना ही अच्छा लगता है। जिस तरह से राम मंदिर को लेकर कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।